देखो, आज है 26 नवंबर और कुछ दिनों में एमेंस इन द शैडो का एपिसोड 9 एयर हो जाएगा। लेकिन जिन लड़कों को स्पॉइलर चाहिए कि एपिसोड 9 से 12 तक में क्या होने वाला है, तो हम बैठे हैं ना, हम बताते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रोज के सपने से, जो सपना देखती है कि उसका बाप उसको कर्ज दे रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रोज ये देखकर अपने बाप को सॉरी बोलते रोती है और सोचती है, क्या मैंने फिर से वही सपना देखा? जब मैंने अपने पापा को मारा था तो बदला लेने के लिए मैंने शैडो गार्डन ज्वाइन किया। शैडो गार्डन की अच्छी बात है कि वो तुम्हारे पास्ट को जज नहीं करती है, लेकिन शैडो गार्डन ज्वाइन करने के लिए तुमको अपना पास्ट, अपना नाम और अपना सोशल स्टेटस सब भूलना पड़ता है। इसीलिए अब मैं रोज नहीं, 666 हूँ, एक मेंबर शैडो गार्डन की। रोज शैडो की तारीफ करते हुए सोचती कि आखिर ये शैडो कौन है जिसने शैडो गार्डन बनाया है, और शैडो के विजडम और इन्वेंशन की वजह से ही आज शैडो गार्डन इतनी आगे है। शैडो सच में एक जीनियस होगा। और हमें पता चलता है कि रोज अभी तक सिड को भूल नहीं पाई है, ये आज भी सिड से प्यार में है। खैर, रोज को एक मिशन के लिए समन किया जाता है, जहां पर इनका मिशन था कि वो ये पता करे कि आखिर कल्ट डीमन फैक्शन और एंटी डीमन फैक्शन के लड़ाई के बीच में क्यों नेता बन रही है। तो इस मिशन के लिए जो टीम है, जिसमें रोज है, उसकी लीडर विक्टोरिया है। और विक्टोरिया पूछती है रोज से कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस मिशन के लिए क्यों चुना है? रोज बोलती है, क्योंकि ये जंग जिन दो किंगडम के बीच में लड़ा जा रहा है, उनमें से एक किंगडम मेरा है, ओरेना किंगडम। उस किंगडम की मैं प्रिंसेस थी। विक्टोरिया बोलती है, हाँ ये भी है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि 7 शैडो के अलावा सिर्फ हम दोनों ही वो इंसान हैं जिसको पावर खुद लॉर्ड शैडो ने दिया है। और तुमको अंदाजा तो होगा कि लॉर्ड शैडो जिनको भी अपनी ताकत डायरेक्ट देते हैं, उनकी ताकत और शैडो गार्डन के मेंबर से ज्यादा होती है। और मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड शैडो की ऐसी ताकत की तुम हकदार हो। मैं हूं जो 7 शैडो के बाद लॉर्ड शैडो की सबसे लॉयल सर्वेंट, तुम नहीं। अगले सीन में सिड ओरेनो किंगडम, जो रोज का किंगडम था, उस किंगडम में एक बार के अंदर बैठा होता है, जहां पर इसको ड्रिंक वही लड़की सर्व कर रही होती है जिसको एपिसोड 1 में शैडो ने बचाया था, अरे जिसका नाम मैरिए था। जहां पर मैरिए सिड को बताती है कि कैसे उसको शैडो ने बचाया था गूल से। इतने में वहां पर किंगडम के गार्ड्स आ जाते हैं मैरिए से हफ्ता मांगने। तो अपना सिड सोचता है कि चल क्यों ना इस बार हीरो का रोल प्ले किया जाए। तो सिड गार्ड से बोलता है कि कोई भी मेरे मैरिए को हाथ नहीं लगाएगा, तुम लोगों को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अपनी ताकत। ताकत प्यार का, प्यार की ताकत, सच में डूड। खैर, गार्ड्स अपने ही मौत के सर पर बोतल फोड़ देते हैं। ये देखकर मैरिए गार्ड से बोलती है, तुम लोगों का हफ्ता चाहिए ना, टेबल पे रखा है, लेकर निकलो यहाँ से। सिड को देखकर मैरिए सोचती है कि पिछली बार मुझे शैडो ने बचाया था और इस बार मुझे तुमने बचाया, काश इस बार भी वो रहता तो गार्ड्स नहीं बचते। देखो, एक प्रोस्टिट्यूट के लिए सेक्स से ज्यादा केयर और लव मैटर करता है, यू नो व्हाट आई मीन। खैर, अगले सीन में वो गार्ड्स पैसे लेकर के घर जाते हुए सोचते हैं कि ओरेनो किंगडम की प्रिंसेस रोज गायब है और किंग भी मारा गया है, इसलिए अब किंगडम का कंट्रोल कित्सुहत के अंडर आ गया है। कित्सुहत ओरेनो किंगडम के आर्मी का जनरल है। आसान शब्दों में बोलूं तो ओरेनो किंगडम के अंदर आर्मी रूल लग गया है, मतलब किंगडम को आर्मी रूल कर रही है, कोई राजा नहीं, इसलिए इन गार्ड्स पर अभी अपार ताकत है। खैर, सिड इन गार्ड्स को बीच में ही रोक देता है और इन दोनों का दिल निकाल करके क्रश करते हुए बोलता है, मैं ही न्याय हूँ। खैर, गार्ड से पैसे लेकर के सिड उन पैसे को मैरिए के दरवाजे पर छोड़कर चला जाता है। और जब मैरिए देखती है उन पैसों को तो मैरिए बोलती है, अगली बार मिलकर जाना शैडो। सीन चेंज होता है शैडो गार्डन के मिशन पर, जहां पर ओरेनो किंगडम के अंदर इन लोगों को कल्ट के लोग मिल जाते हैं जिनका लीडर रैगिंग गेल कवाड़े था। शैडो गार्डन सोचती है कि आखिर कल्ट उस जगह पर क्या कर रही है जहां पर सालों पहले डेवोलास के साथ हीरोज की फाइट हुई थी। कल्ट के लोगों को ध्यान से देखने पर शैडो गार्डन को पता चलता है कि उन लोगों में से एक रूस की मॉम रहती है, जो कुछ तो स्टोन टच करती है जिसके अंदर से एक रिंग निकलता है। रिंग को देखकर विक्टोरिया सीधा कल्ट से मार करने कूद जाती है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता कि रिंग कितना पावर फुल है और आखिर इसका काम क्या है। विक्टोरिया सबको मार ही रही होती है कि इतने में विक्टोरिया हमला रोज की मॉम पर कर देती है, लेकिन रोज अपनी मॉम को बचा लेती है, जिसको देखकर विक्टोरिया रोज को गद्दार बोल देती है, क्योंकि एक तरीके से देखो तो रोज ने कल्ट के एक मेंबर को बचाया। इसके बाद क्या था, विक्टोरिया को पहले से ही गुस्सा था रोज पर, तो विक्टोरिया मारने कूद जाती है, लेकिन कल्ट के कुछ लोग रोज और उसकी मॉम को वापस किंगडम के कैसल ले जाते हैं लॉर्ड डोन के पास। दूसरी तरफ मार शुरू हो जाती है शैडो गार्डन और कल्ट में, जहां पर शैडो गार्डन बहुत गंदा चित जाती है, लेकिन इन लोगों को बचाने के लिए वहां पर शैडो कदम रख देता है। शैडो को देखकर विक्टोरिया तो गजब ही खुश हो जाती है। शैडो सबको लपेटने के बाद विक्टोरिया से पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। तब विक्टोरिया बताती है, हमारे शैडो गार्डन के एक मेंबर ने हमारे साथ गद्दारी की। शैडो ये सुनकर बोलता है, कौन है वो जिसने गद्दारी की?
और इसी के साथ आई फील कि एपिसोड 9 यहीं पर खत्म हो जाने वाला है। देखो मेरे को लगा था ये स्टोरी एपिसोड 8 से ही कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन एपिसोड 8 स्टूडियो ने फिलर बना दिया। आई होप कि एपिसोड 9 भी फिलर ना हो। अगर एपिसोड 9 फिलर नहीं होता है तो ये स्टोरी पक्का एपिसोड 9 में होने वाली है। मेरे हिसाब से स्टूडियो ने सीजन 2 की एंडिंग को अच्छा दिखाने के लिए एपिसोड 8 फिलर बनाया। अगर सच बोलूं तो एंडिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही एंडिंग हुई तो। खैर इस मांगा वाले सीरीज का नेक्स्ट पार्ट तब आएगा जब एपिसोड 9 एयर हो जाएगा। लेकिन जहां तक मैंने मांगा पढ़ा तो मैं तुम्हें सच बताऊं तो एमिन्स इन द शैडो का जो बेस्ट स्टोरी लाइन है वो अब से शुरू होने वाली है। खैर आई होप तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट में अपना विचार बताओ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।